उम्र क्या हो गई? पता नहीं, मैं तो पुराना जमाने के ही। उम्र नहीं पता ना। मोरी से पैदल आते थे, रास्ता भी ऐसे थोड़ी रोड का आ गया, पहाड़ी रास्ता। और यहाँ से ले जाते थे हमारे लोग खाड़े के ऊपर, ऊन आन ले जाते थे और ऊन उनको दे देते। बहुत जमाने का बनाई। अरे वाह, ये हर घर में आपको मिल जाएगा। ये जो बैठने की जगह है इसको बोलते हैं फड़की। तो आपके घर में जो भी मेहमान आते हैं ऐसे में बिठा देते हो? हाँ, रोड की सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं है यहाँ के रोड के, अच्छी फैसिलिटी नहीं है, भेड़ बकरी वाले के लिए हाथ लेने पड़ते हैं, हमारे पास रास्तों के पूरे हाल है। ये है दोनी गांव सामने, और वो बह रहा है रुपिन नदी। ये सीधा जाएगा नेटवार में, नेटवार में फिर सुपिन नदी मिल जाएगी, फिर वहाँ से वो टॉन्स नदी बन जाती है जो कि मोरी से होते हुए सीधा आगे को निकल जाएगा। इससे पहले वाला आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, मैं था आपके दोनी गांव में, और दोनी गांव का मैंने जो ब्लॉग बनाया था उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का, थैंक यू उसके लिए। और अब मैं जा रहा हूँ दोनी गांव से थोड़ा सा ऊपर मसरी, तो मसरी गांव जा रहा हूँ मैं। ये सामने भैया हैं यशोद भैया, ये मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ने के लिए ले जा रहे हैं। तो कहाँ नीचे से चल के आया यार, मैं थक गया भाई। तो भाई ये हैं यशोद भाई जो मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आए, थैंक यू यार बहुत बहुत। ठीक है फिर है, मिलते शाम को, है ना, चलो ओके भाई। ये देखो भाई, जब मैं सेवा गांव से आया था तो वहाँ कहीं से होते हुए ट्रैक करते हुए आया था, करीबन 20 किलोमीटर का, और यहाँ से ऐसे करके गया था मैं नीचे के साइड में। भाई अब देख रहा हूँ ना कैसे आ गया यार मैं यहाँ तक यार ट्रैक करते करते। भाई ये तो रुपिन नदी है, और ये जो सामने गांव दिख रहा है ना इसका नाम है खाना गांव है ये। नमस्कार जी, ये क्या बोलते हैं मसरी, हाँ सीधा जाएगा रोड मसरी। कितना देर में पहुंच जाऊंगा? ये लग जाएगा पौना घंटा लग जाएगा। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लग जाएगा, पौने एक में पहुंच जाएंगे आप ना। हाँ, यहाँ ऐसे घूमने के लिए जा रहा हूँ। घास लेके आ रहे हो? गाय के लिए। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? सट्टा में। अच्छा अच्छा, जो धोनी के ऊपर गांव है वहाँ पे। हाँ। ताकुली बोलते हैं ना इसको, ताकुली। अच्छा, अरे वाह, ये देखो गाइस, इसको बोलते हैं ताकुली, और ये है भेड़ का ऊन। भेड़ का ऊन, ये आपका बगान है ये सेब का? हाँ। अच्छा, ये पूरा आपका है? ना ना, ये पार दूसरा। अच्छा, ये सेब देखो कैसे लगे हुए हैं, वाह। अरे ये देखो भाई, हल्का हल्का लाली आ रहा है सेब में। ये चेक करो भाई, ये हो रखे पूरे लाल, इसे बोलते हैं असारी सेब। ये देखो, ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। हाँ ये आप, हाँ एक दे दो मुझे, एक खा लूंगा मैं, तोड़ लूँ एक। ये तोड़ लेता हूँ, है ना। ओहो गिर गया, दो गिर गया, वो एक वहाँ गिर गया। मीठा है ये? अरे वाह, ये मसरी पास में है ना। हाँ। अच्छा, मसरी घूमने के लिए जा रहा था ना। हाँ। ये ठीक है, हाथ में ऊन, ये स्वेटर बुनते हुए और सामान ले जाते हुए, है ना। धन्यवाद जी। ये देखो भाई, तो भाई अब आ गया, लगभग 1 किलोमीटर और है, भाई साहब लोग भी आ रहे हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया सर। और खेती बाड़ी चल रही है? चल रही है सर। अच्छा अच्छा, क्या ले जा रहे हो? ये खाना पीना, राशन पानी। राशन पानी तो जा रहे हैं। आप लोग का तो बहुत कठिन जीवन है, हैं? पहाड़ में इधर से उधर, उधर से इधर, हैं? मैं तो ये मसरी जा रहा था जी घूमने के लिए। अच्छा, अच्छा खेती बाड़ी करते हो आप लोग? खेती बाड़ी करते सर। चलो जी, चलो जी। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है आपके पास? धनाती। अच्छा, धनाती लेते हुए जा रहे हो। आपको डर नहीं लगता ऐसे जंगलों में? क्या करे सर, बाघ भालू क्या करे सर, रहना ही पड़ता है, डर तो लगेगा, तो काम तो करना ही पड़ता, नहीं तो ऐसे भूखे रह जाएंगे। हाँ, कठिन जीवन है आप लोग। हाँ जी, चलो जी धन्यवाद, मैं भी घूमने के लिए आ रहा हूँ। हाँ अकेले अकेले। अच्छा जी धन्यवाद।
तो जनाब ये आ गए हम लोग मसरी गांव में, ऊपर की तरफ चलते हैं। अब ये है मसरी गांव का सरकारी स्कूल 8वीं तक, ये मिड डे मील ले रही है। हाफ टाइम हो रहा है, हाफ टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, दाल भात दे रहे हो सर जी। नमस्कार जी। नमस्कार टीचर हैं सर आप? और जी कैसे हैं? मैं घूमने के लिए आया था, जरा स्कूल देखा बच्चे लोग, तो सोचा थोड़ा स्कूल देख लेते हैं, अभी तो हाफ टाइम हो रखा है ना। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? अच्छा 8वीं तक है ये क्लास स्कूल, 8वीं तक है ना ये? तो जनाब ये है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मसरी, क्लास देखते हैं। वाह सारी व्यवस्था है। नहीं सर बस थोड़ा सा ऐसे घूमने के लिए आ गया था। बस 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 ठीक है ठीक है, बहुत विकास है यहाँ पे भी है ना, स्कूल बढ़िया है। वाह सारी फैसिलिटी लग रही है। ये क्लासेस है आपके? अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो बच्चों कैसे हो? खाना खा रहे हो? कैसा है खाना? ठीक है, गुड गुड, खाओ खाओ। ये क्लास होंगी, ये रिसेप्शन है, तो ऐसा है ये। कैसा बना है खाना? अच्छा है, चलो गुड गुड गुड। दाल ले लो आप थोड़ा सा और, है ना। ये यहाँ पे पानी की व्यवस्था है। वाह अच्छा, बाय बाय। ये सोलर सिस्टम लगा रखा है यहाँ पर, जब बिजली नहीं आती तो सोलर सिस्टम से काम चलता है। चलो खाने दो, अगर इनका क्लास लगा हुआ था ना मैं अंदर एंटर नहीं करता, अभी इंटरवल हो रहा था सोचा मिल लूँ। गुड गुड। अच्छा आप खाना देते हो यहाँ पे, आप भी यहीं रहते हो? अच्छा अच्छा, ये है इनका किचन, यहाँ खाना बनता होगा ना, यहीं बनता होगा ना खाना, यहाँ खाना बनता है। गाँव में बड़ा मस्त व्यवस्था, काफ़ी अच्छी है, अच्छी व्यवस्था है आपकी। मैं ऊपर गांव में घूमने के लिए, जी जी बहुत अच्छी व्यवस्था है। चलो जी आगे देखते हैं और क्या देखने को मिलेगा भाई। ये मसरी गांव उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का पर्वतीय बेल्ट में आता है, और ये मोरी जनपद में पड़ता है ये गांव ना। ये चेक करो यार क्या मस्त है भाई। वाह क्या नाम बताया था? नेर सिंह। नेर सिंह, ये गाँव में कितनी आबादी होगी लगभग? इस गांव में सर 1000 से 1200। अच्छा 1000 से 1200 हैं। अच्छा और कितने घर होंगे यहाँ पे? यहाँ पर 150 घर होंगे सर। 150 घर होंगे। अच्छा दो गांव है सर, एक ही गांव बनता है दो गांव से। अच्छा ये एक जो तो ये मस एक छानी पार तित्राला बोलते हैं, तित्राला वो आगे है वो तो है ना। अच्छा ये मतलब प्रधान हमारा एक ही बनता है, एक है तित्राला और ये मेन मसरी है। अच्छा प्रधान एक ही है यहाँ के। अच्छा यहाँ पे ज्यादातर तो लकड़ियों के घर है ना पूरे? जी सर लकड़ियों के पूरे। अच्छा अगर 100% तो बर्फ कितना पड़ता है यहाँ पर? बर्फ सर यहाँ पर जो है दो से तीन फीट पड़ता है। दो से तीन फीट पड़ जाता है। अच्छा अच्छा, ऐसा है ये एक्चुअली में बेड़ा लोगों का गांव है, ये जो भेड़ पालक लोग होते हैं ना, जो भेड़ी वगैरह पालते हैं, तो उन लोगों का यहाँ पे गाँव है। और अब यहाँ पे आपको इस टाइम भेड़ पालक लोग ज़्यादा मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग जा रहे हैं पूरा बुग्याल में, क्योंकि बर्फ हट जाता है ना वहाँ से। जी जी सर, आज वहाँ बर्फ हटी हुई तब वहाँ पे सब चले जाते हैं। ये सर्दी में ये बंद हो जाते हैं बुग्याल, मतलब नवंबर के बाद। नवंबर के बाद फिर वो नीचे की तरफ आते हैं, ये पुरोला साइड में मसूरी साइड में वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ होती नहीं, खाने के लिए घास होता है। तो क्या होता है ना भेड़ों के लिए, जब यहाँ पे बर्फ पड़ जाता है तो खाने के लिए घास नहीं होता, इस वजह से वो सर्दियों में पूरा नीचे मसूरी साइड में, नीचे पुरोला साइड में चले जाते हैं। तो यहाँ का एक घर देख लेते हैं अंदर से कैसा होता है। ये तो हुक्का है ना? हाँ हुक्का है, रुको भी लगाओ लगाओ जी, हुक्का लगाओ। अरे वाह ये बढ़िया है हुक्का, ये खोलना जरा। वाह छोटा दरवाजा, पुराना हाँ। पुराने जमाने का, अब तो बड़े दरवाजे। अरे वाह ये यहाँ पे जितना भी आपको घर मिलेगा ना, ये मिट्टी का ही चूल्हा है, यहाँ पे मिट्टी का चूल्हा होता है। हिमाचल साइड में जो है आपको वो लोहे का चूल्हा मिलेगा, चिमनी नहीं दे रखा अंदर। कारण ये ना गाइस, इसमें है यहाँ पड़ता है ठंड, बर्फ बहुत लगता है यहाँ पर, तो इस वजह से इनका कमरा एक ही होता है और दरवाजा एक ही होता है, खिड़कियां वगैरह नहीं होंगी। लाइट ही नहीं है यहाँ पे, लाइट
तो ये देखो बर्तन कैसा रखा हुआ है। यहाँ जब बर्फ पड़ता है ना तो भयंकर वाला यहाँ पे ठंड होता है, तो चूल्हा भी जलता रहता है तो रूम भी गर्म होता रहता है, बाहर का ठंड अंदर नहीं आ पाता। अंधेरा है तो क्या दिखाना, बस बाकी इन्होंने सामान रखे हुए हैं, ये ऐसे रखे हुए, ये मंदिर है इनका, ऐसे नाग देवता, ये अपना पर्सनल, हाँ ये सिक्का डाला हुआ इन्होंने, बाकी ये बर्तन वगैरह रखा हुआ इन लोगों ने, ये सारे बर्तन रखे हुए हैं, रजाई गद्दे रखे हुए हैं। ये चलते हैं, बाहर निकलते हैं ना, मुझे निकलना, मेरा ना दो बार सर ठुका हुआ है, सर पे चोट लग रहा है। और यहाँ से नजारे देखो यार, और इसको बोलते हैं जानी, जानी है ना ये, हाँ। और ये जो जानी है, यहाँ के जो पत्थर है वाइट ज्यादा है, लेकिन जो वहाँ पे है ना डोडरा कवार हिमाचल में, वहाँ के पत्थर काले हैं, वहाँ काले हैं, हाँ इनसे बढ़िया है, वो अच्छे क्वालिटी के है, मजबूत भी है, वो हल्के भी है, पानी नहीं आता अंदर, ये तो बहुत भारी है, ये तो भारी है, पतली होती है, लकीर है तो ऐसे टूटता हो, तो ये पत्थर कहाँ से लेके आते हो आप? ये हम वाला तो इधर ही सब तो बंद हो गया, तो टीन लाख मंगा दे ना लोगों ने, टीन ही अब धीरे धीरे टीन लग रहे हैं, ये तो पक्की चीज है, ये टीन तो सड़ जाते हैं 8-10 साल में, 20 साल, और ये तो 200-250-300 सालों जन्म भर के लिए, जब जिसका पानी टपक, पानी नहीं टपकना चाहिए, वो आलू वाला काला पत्थर बहुत बड़ा, तो चादर से पक्का है वो भी, पानी का नाम नहीं आता, नाम नहीं आता बिल्कुल, नहीं वो तो बिल्कुल सख्त बैठता है ना, वो ये पत्थर है बिल्कुल बैठता है। तो ये पत्थर लाते कहाँ से हो आप लोग? अच्छा यहीं से ही है। अच्छा इनका जो कारीगर होता है उनको कटिंग करके, हाँ, अलग होता है, हर कोई नहीं काट सकता ना इसको, जब जिसको जरूरत पड़े तो उनको ऑर्डर दे देते हो, तो फिर वो बना के आपको दे देंगे। एक ही बंदे ने जो मकान है ना जिसमें सिलेटस आ रही है ऊपर तक, एक ही बंदे का वो मर गया बेचारा। अच्छा अच्छा, चलो बाकी तो ये हुक्का है, इसमें मसाला वसाला डाला नहीं आपने? मसाला क्या, ऐसे तम्बाकू डाल रखा, और क्या मसाला क्या डाला। नीचे चलते हैं, यहाँ से उतरना पड़ेगा भाई। तो ये जो गांव है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का फतेह पर्वत बेल्ट में आता है, आखिरी गांव मसरी गांव। तो ये तो बेडाल लोगों का गांव है ना, जो भेड़ पालक लोग होते हैं, ये सारे भेड़ पालते हैं अभी उत्तरकाशी जिले में, तो सब भेड़ पालक ही पालक है यहाँ सारे, वहाँ तो मैं घूमने के लिए गया हुआ ना, वो सब घुमा हुआ हूँ यहाँ सा, हाँ उत्तरकाशी पर भटवाड़ी नहीं है, झाला शोकी हुई भूखी सारा भेड़ पालक उधर तो। तो अभी तो सब जा रहे के वहाँ, सब हर जगह भेड़ी है बुग्याल में, अभी तो जा रखी है। तो जब ये जब बर्फ लगे जाएगा, घास पूरा दब जाएगा बर्फ में, तो फिर आप लोग बर्फ से बादों में उतर जाती नीचे? अच्छा नवंबर में लगभग उतरेंगे ऊपर से सारे, नवंबर में अगस्त में आ जाते हैं लास्ट में, दो बार ही छोड़े, दो बार ही तो फिर लास्ट अगस्त में आ जाते हैं नीचे, अगस्त में लास्ट अगस्त। तो फिर उसके बाद ये लोग कहाँ जाते हैं? उसके बाद कुछ लोग तो 1-2 महीने वहीं काटते ऊपर, और बाकी उसके बाद जो है अक्टूबर नवंबर में सीजन नीचे देहरादून मसूरी, देहरादून कोई नीचे नीचे बंगाल में है, अच्छा खूनीघाट और लूणाघाट उधर जाते हैं, कोई देहरादून लेते हैं। मैंने ये सुना था कि ये मसरे गांव में आप लोग जो रहते हो सबसे ज्यादा भेड़ आपके पास में है इस वक्त, है ना? किसी बार 200 है, किसी बार 300 है, है ना? आपके पास मान लो 100 है भेड़, मान लो आपके पास में 200 है, आपके पास में 50 है, किसी और के पास में मान लो 300 है, तो आप लोग मिलकर तब भेड़ों को टोली बनाते, टोली बना के ले जाते हो? लास्ट गांव तो लेवाड़ी से पीछे है, लास्ट उत्तरकाशी लेवाड़ी लास्ट है, अच्छा नजदीक पड़ते हैं ना, नहीं वहाँ तो मैं गया हूँ, फिताड़ी लेवाड़ी जा रहे हैं, लास्ट वही है, उस बेली से लास्ट वही है, हाँ हाँ
तो हम लोग टूरिस्ट लोग जब उत्तराखंड में घूमने के लिए जाते हैं, हिमाचल में घूमने के लिए जाते हैं, तो जब रास्तों से जा रहे होते हैं तो खूब सारे भेड़ पालक लोग दिखते हैं रास्ते से ले जाते हुए, मतलब उसमें 1500-2000 तक की रेंज में भी मतलब होते हैं, वो टोली होती है ना, वो आप लोग ही हो, है ना, आप लोग ही हो जो हिमाचल वाले अलग बैंड वो होगी गद्दी लोग होगे, वो आप लोग बेडाल लोग बोलते हैं, है ना, अलग बेल्ट गए ना, वो तो अलग बेल्ट गए, वो तो अलग बेल्ट। अगर एक भेड़ी का कीमत 10,000 भी है, किसी के पास अगर 1,000 है भेड़, तो 1 करोड़ का माल तो यही हो गया, तो पैसे वाले हो आप लोग। गाँव है हमारी सहायता कोई नहीं करता इधर, ये लास्ट वाले है कौन करता, गवर्नमेंट भी सहायता नहीं देती हमारे को, क्या ये रोड की सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं है, यहाँ की रोड की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, भेड़ बकरी वाले के लिए रास्तों के बुरे हाल है, तो काय के लिए हम पैसे वाले, हम तो बिल्कुल हमारे को तो सरकार भी सोचते जो निगलेट गाँव है ये, और इस गाँव की कोई कदर कोई कुछ नहीं है, बहुत कठिन जीवन होता है आप लोगों का, पहाड़ों में भेड़ों को लेकर जाना, तो आप लोग क्या अपने बच्चों को ये काम करवाना चाहेंगे भविष्य में भेड़ पालक का? देखो तो उनकी इच्छा है बच्चों की, जो गवर्नमेंट, लेकिन मन तो आपका मेरे ख्याल चाहता नहीं है कि इतना कठिन काम उनको आप दो, नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारी खानदानी यही है, औलाद आने वाली जो पीढ़ी है इसी काम को करे, अच्छा नहीं करते साले, लेकिन भूखे मर जाएंगे। अच्छा, तो फिर तो ये प्रथा फिर आपका कम होता चला जाएगा अगर बच्चे नहीं करेंगे तो। क्या बोलते हैं इसको, मुड़की, मुड़की, और ये ढाटू, अच्छा, और आपने तो टैटू भी बना रखा है, ये टैटू ये भी टैटू बना रखा है आपने, बहुत जमाने का बनाया, अरे वाह, पहले जमाने का बनाया हुआ छोटे में, अच्छा, यहाँ पे जवानी में बनाया, यहाँ पे ज्यादातर महिलाओं का मतलब टैटू बना हुआ है ना, पुराने बुजुर्गों का, अच्छे लग रहे हो आप, ये है त्योहार, यहाँ के भाषा में इसको बोलते हैं त्योहार, जब गांव में कोई फंक्शन होता है या फिर पंचायत बैठते हैं तो सारी महिलाएं पुरुष बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे गाना वाना गाते हैं, सांस्कृतिक गाना होता है ना इनका, जो अपना जो गाने वगैरह होते हैं वो लगाते हैं, महोत्सव मनाते हैं एक तरीके से, ये हर गांव में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक ऐसा त्यौहार होता है, देखो यार क्या मस्त है, ये कितने साल पुराना होगा भैया है मेहर भाई, मतलब मतलब दो तीन सौ साल होगा ये, अच्छा पहले का ब्लॉग ना, ये पेड़ किसने लाए, हाँ मोटे पेड़ियां चढ़ा रखे, हाँ, तो आज की डेट में तो उस टाइम ना मशीन चलती थी कुछ नहीं, अब कितने लोगों ने इनको चढ़ाया होगा, ऐसे भी कोई ना कोई उस टाइम की हस्ती रही होगी, जो हमारे बुजुर्ग थे काफी मजबूत रहते थे, पौष्टिक खाना रहता तो उनका काफी बहुत भारी है ना, जिस कारण देखो एक ऊंचाई में कोई मशीन नहीं थी, हाथ के सहारे से जो इसको उठा रखा चढ़ा रखा, बहुत मजबूत है यार, ये देखो नीचे का, ये देखो बेस दे रखा ना, मतलब ये कौन से मतलब कौन से उसका है, ये देवदार का है ना, ये देवदार का तो बहुत पूरा ही देवदार का बना, अब लगाओ ना बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए इसका जो है पता ही नहीं, तो इस तरह है खंडर स्थिति, तो पहले अच्छा था इस तरह सारा जिससे, मतलब ऐसा जो कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, हर गांव में होता है, हर कहीं देखने को नहीं होता, तो गांव-गांव में होता है, हर गांव में इतने मोटे चौड़े मिलेंगे नहीं, भले डेकोरेशन इस टाइप की मिल जाएगी बारीक उसमें, लेकिन इतना बड़ा इतना मोटा, ये थोड़ा मुझे थोड़ा मजबूत लगा ये वाला, बहुत है, ये देखो यार, ये है बैरिंग नाग का मंदिर, मसरी गांव का ये मुख्य मंदिर है, ये जितने भी ट्रॉफी नजर आ रहे हैं, ये बच्चे लोग टूर्नामेंट जीत के आते हैं ना, तो अपने ट्रॉफी को मंदिर को समर्पित कर देते हैं, और ये है जाग माता का मंदिर, ये ढोल रखे हुए ना यहाँ पे,
जब पूजा पूजा होता होगा तब बजाते होंगे इसको। तो ये देखो भाई, और ये जो बांस की जो बलियां रखी हुई है ना, ये देवता नचाने के लिए होता है। जब देवता को जो मतलब बीच में डोली बनाते हैं, जब कोई विशेष पूजा होता है तो ढोल नगाड़े बजते हैं, और सिर्फ इसी बल्ली में उस देवता को नचाया जाता है, झुलाते हैं उसको। ये है, इनके भाषा में इसको बोलते हैं भिंडी। भेड़ का जो ऊन होता है ना, उसको काट के ताकुली से, तब ये ऐसा बनाते हैं। इससे बनता है कोट, है ना, कोट वगैरह बनाते हैं, फर्जी वगैरह फर्जी बनाते हैं। हाँ, तो ये आपने जमा करके रखा हुआ, सुखाने के लिए रखा होगा ना इसको, धो के ये। ये बहुत गर्म होता है ना ये? हाँ, बहुत गर्म। यहाँ पे बर्फ पड़ता है ना सबसे ज्यादा। ओहो, बहुत मोटा है यार ये, तो बहुत ज्यादा गर्म। हाँ, वाह यार, ये देखो भाई, चोलाई लगी हुई है, ये पूरा चोलाई है ना। अरे वाह, है राजमा बीज रखे यहाँ? बीज रखे है चोलाई में ऊपर आई। अच्छा, की दाल बनती है, राजमा। हाँ, वही वही। ये चेक करो यार, कितना मस्त लग रहा वाटरफॉल, पहाड़ों से आ रहा है, ऊपर ग्लेशियर से आ रहा है ये पानी, बहुत ठंडा पानी होगा बॉस ये। वाह, क्या नज़ारे हैं यार, आनंद आ गया बॉस। तो भाई, यहाँ से ऐसे गुजर रहा था, एक घर से मुझे बुला लिया आवाज़ लगा कर कि आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर, आ जाओ। तो इनके घर में जा रहा हूँ रैंडमली जो है। अरे भाई, सर ना बच जाए यार। अरे वाह वाह वाह, अजय राम राम जी। अरे यहाँ है तुम्हारा घर? अजय अजय, नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो जी आप सब लोग? बढ़िया हो? अरे बहुत मस्त जगह है यार। ये हर घर में आपको मिल जाएगा, ये जो बैठने की जगह है इसको बोलते हैं फड़की। तो आपके घर में जो भी मेहमान आते हैं ऐसे में बिठा देते हो? ये बकरी का होता है ना, ये तो बकरी का। हाँ, ये बहुत गर्म होता है ना, ये आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? खाजा। यदि हमारे यहाँ कोई किसी को पूछ ली इत्यादि होती है, अगर बीमारी भी होती है तो अगर उसमें नंगे होकर कोई सो जाता है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, ये स्पेशली हमारे मेहमान होते हैं, बीमारी जो कुछ खाजली दूर हो जाए, मेहमान खुजली दूर हो जाती है, मेहमान रे मेहमान। अच्छा, विशेषकर जो मेहमान के लिए बनाए गए हैं। अच्छा, मेहमान आते तो हम इसको डालते हैं ऊपर, इसको हम खाजे बोलते हैं अपनी बात। जो उसका बनता है बकरी के बाल का। वाह, आपके हर घर में यहाँ पे ऐसे एक ही छोटा सा दरवाजा होता है और अंदर एक कमरा होता है। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हो? वाह, अच्छा, ये है आपका जीवन शैली है। तो आप लोग एक ही दरवाजा क्यों रखते हो इतना छोटा? वो भी उस टाइम यही चलता था। हाँ, क्योंकि पहले ऐसा होता था ना, लोग जैसे आते थे, और पहले मतलब आदमी जो सुरक्षित नहीं समझता था अपने। अब जैसे कच्चे, तो इसमें जो इतने मोटे सिल्पर लगाए जाते थे, जिस कारण से जैसे इसका जो दरवाजा है उसको बंद करते थे, ताकि सुरक्षित समझते थे पहले आदमी ना, तब बनाए जाते थे टाइट टाइट, ताकि अंदर कोई घुस नहीं पाता था आसानी से। और ठंड भी अंदर कम जाता है। ठंड इनमें मतलब ही नहीं है ना, तो ठंड लगेगी ना सर्दी, मतलब गर्मी लगेगी। इन मकानों में देखा जाए तो सर्दियों में गर्म रहते हैं, गर्मियों में ठंड रहे। मोरी से पैदल आते थे पहले? अच्छा, रास्ता भी ऐसे थोड़ी ना, रोड कहा गया पहाड़ी रास्ता, यहाँ से चढ़ाई ऊपर, फिर चढ़ाई नीचे, फिर इधर। हाँ, तब आ रहा था, अब तो मोरी से रोड आ गए, अब तो रोड आ गया, तो मोरी से पैदल मसरी के लिए। अच्छा। हाँ, तो आते आते फिर दूरी से दौड़ तक, दौड़ से पैदल दूरी तक। हाँ, दूरी तक गाँव तक। राशन पानी फिर वहीं से लेके आते थे मोरी से? राशन तो बाबा रामा से, राम से जो रामा से पड़ता, वहाँ से लाते थे धान, नौ धान कूटा था। अच्छा। और यहाँ से ले जाते थे हमारे लोग खाड़े के ऊपर, ऊन आन ले जाते थे और ऊन उनको दे देते और कुछ पैसे भी दे देते, और वहाँ से पहले के जमाने में। अच्छा, जब राशन पानी लेना होता था पुराने जमाने में, अपना खाडू दे के फिर राशन पानी वो लेके आते थे वहाँ से। अच्छा जी, वो दिन भी देखा आपने।
8 बच्चे हैं मेरे, 4 लड़के हैं। अच्छा जी। हाँ, और 3 लड़की है। हाँ, और भेड़ी भी पाली। भेड़ी पाली, कितनी भेड़ी रखी आपने आज तक? पहले कितने रखे? पहले तो 150 था। अच्छा जी। तो पहाड़ों में घूमना, भेड़ों को ले जाना, ये देखो बहुत कठिन जीवन था ना। इधर जो है ना, इधर, हाँ हाँ, इसमें ले जाने दे, ये इन पहाड़ों में, इन पहाड़ में ले जाते थे आप? अरे भाई, ये आजकल पीछे दिख रहा नहीं, तो ऐसे पहाड़ नहीं है, पीछे पीछे मैदान है, वहाँ बुग्याल, बुग्याल यहाँ पे बैठा। ये चेक करो बॉस, यहाँ पे भी 4-5 मकाने हैं और हर मकान का ऐसा ऐसा सीढ़ी है। ये तो धोनी से रोज अप डाउन करते हो यहाँ पे मसरी जी? अरे थकते नहीं है क्या तुम लोग? थकते भी है, पर जाना जरूरी है। वहाँ तुम्हारे स्कूल में नहीं है ना 12th तक? नहीं। कितने तक है वहाँ? 8th तक जी। अच्छा जी। मैं तो दंग हो गया यहाँ पे तुम्हें देख के, रोज इतना चलना पड़ता है, यानी कि 6 किलोमीटर, 6-12 किलोमीटर रोज चलते हो जी। वाह, तभी तकड़े हो। घर का खाना खाते हो ना तुम लोग, है ना? खेतों का अपना राजमा भात है, मंडवे की रोटी है ना। चलो बेटा, खूब पढ़ाई करना, ठीक है? ओके, बाय बाय। उम्र क्या हो गई? पता नहीं, मैं तो पुराना जमाने के ही है, हमको क्या पता। उम्र नहीं पता ना। माँ बाप गुजर गए। अच्छा, उनके बात सुन रहे थे ना, मैं इतने उम्र, इतने साल है, इतने गुजर गए, पता ही नहीं है। पुराना जमाने के। अच्छा, आप लोग स्कूल नहीं जाते क्या? स्कूल है छोटे, स्कूल नहीं जाते? छुट्टी हो गई ये, ये है गांव का माहौल। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, कैमरा देख के मेरे पास आ गए। तो यहाँ पे सेब के भी तो बगान होंगे? सेब के भी तो है, पर ये है कि दाने नहीं है। सेबों पे भी नहीं, सेब की फसल लेना है, सेब की फसल लेना है। हाँ हाँ, अच्छा। तो आप लोग कैसे, मतलब जो सब खेती बाड़ी में ही निर्भर हो? हाँ, 1500। अच्छा 1500। अच्छा 1500 रुपये मतलब विधवा पेंशन? अच्छा, महंगाई बहुत है, पानी का बिल, लाइट का बिल। अच्छा, स्कूलों की फीस। यहाँ पे भी सेम कल्चर है, सेम खेती बाड़ी है, और हर चीज सेम है, जो धोनी में है, जो मसरी में है, सारी कहानी एक जैसी है। और ये जो गांव है, फिर से बता देता हूँ, इसका नाम है सट्टा। वो सट्टा खेलते हैं ना, उससे याद रखना, सट्टा। धोनी के
ठीक ऊपर 5 मीटर ऊपर, इसके नीचे 5 मीटर नीचे आऊँगा तो धोनी आ जाएगा। ये चेक करो भाई कितना मस्त है यार, मज़े आ गए भाई घूमने।